वहीं दूसरी ओर नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त अजय त्रिपाठी के आदेशानुसार क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के विरुद्ध में कार्यवाही की जा रही है। निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शांतिनगर भिलाई 3 में छापामार कार्यवाही की गई। वहीं बाजार चौक भिलाई 3 मार्केट जी रोड में शासन द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ उपयोग करते पाए जाने पर व्यापारियों से 5,100 रुपए अर्थदंड वसूल करते हुए भारी मात्रा में प्लास्टिक पॉलिथीन को भी जब्त किया गया। आयुक्त अजय त्रिपाठी ने यह कार्यवाही निरंतर जारी रखने का आदेश निगम के खाद्य विभाग को दिया। देखिए, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है और शुरू से ही इसमें कई बार मौका दिया गया लोगों को कि जो प्लास्टिक हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उनका उपयोग न करें और एक निश्चित मोटाई से अधिक के ही प्लास्टिक का उपयोग किया जाए। इस संबंध में काफ़ी जुलाई से लेकर के लगातार लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है तथा साथ ही साथ इसके अल्टरनेट भी मार्केट में उपलब्ध कराए गए हैं। उसके बावजूद भी कुछ दुकानों में, कुछ जगहों पर इसका उपयोग हो रहा है, जो कि NGT के गाइडलाइन के अनुरूप एवं पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए अभी हमने भिलाई नगर निगम भिलाई चरौदा के तहत जितने भी हमारे फील्ड वर्कर्स हैं वो दुकानों में कार्रवाई कर रहे हैं तथा जब्ती बना करके साथ ही जुर्माने की कार्रवाई चल रही है। अभी सर नगरवासियों की आपकी तरफ से क्या, नगरवासियों को अपने भविष्य के लिए इस पृथ्वी को सहेज के वापस देना है, इस दृष्टि से पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को बचाए रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल न करें। जिस प्रकार हम मोबाइल या पावर बैंक हाथ में लेके चल सकते हैं तो निश्चित रूप से एक थैला भी हाथ में लेके चल सकते हैं मार्केटिंग के लिए, उन्हीं थैलों का उपयोग करें जो कि जिनका कि जो नष्ट हो सके आसानी से, जो पर्यावरण को किसी भी प्रकार से परेशानी में न डालें।